विचार चल रहा था, जीवोपासना तीन उपासना पृथक पृथक मानी जाए, तो जवाब में कहा कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, उपासना त्रिविध्यात् एवं से त्रिविधम उपासना प्रसज्येता, क्योंकि आपके के अनुसार मान के चलेंगे तो तीन प्रकार का भिन्न भिन्न तीन अलग उपासनाएं हो जाए, एक उपासना और तीन धर्म भेद से उपासना करना अलग चीज है, उपास ही एक हो और जो तीन प्रकार से अलग अलग से उपासना कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सिद्धांत पक्ष में स्वीकार करेंगे, लेकिन तीन अलग अलग उपासनाएं मानोगे ना तो तीन उपासना की विधि माननी पड़ेगी, तीन विधियां एक वाक्य में मानना वाक्य भेद दोष है। क्या है वो तीन उपासना? एवं से त्रिविधम उपासना प्रसज्जेता केते वे जीवोपासनम मुख्य प्राणोपासनम ब्रह्मोपासनम च इति, एक जीवोपासना हो जाएगा, दूसरा मुख्य प्राणोपासना होगा और तीसरा ब्रह्मोपासना तो होगा ही। न चैत एकस्मिन् वाक्ये अभ्युगन्तुम् युक्तम्, और एक वाक्य में इसको स्वीकार स्तर का स्वीकार करना उचित नहीं बनता, ये चलेगा ना? कहा पैंतालीस में? अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा पीछे चला गया। यत् पुनरेतद् उक्तम्, तो पूर्व पक्ष ले लीजिए, ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था सह ये तो अस्मिन् शरीरे वसते सह उत्क्रामतः, ठीक है, ये तो एक साथ उठते रहते हैं, एक साथ जो है जो निकलते हैं, इसके आधार पर भी लगता है प्राण और प्रज्ञात्मन और भेद दर्शनम ब्रह्मवादी नोपबद्धते, प्राण और प्रज्ञात्मा का भेद जो व्यवहार हुआ है वह ब्रह्म पक्ष में घटेगा नहीं, इति नैष दोष, ऐसा नहीं कहना। क्यों? ज्ञान क्रिया शक्ति द्वयाश्रय बुद्धि प्राण यो प्रत्यगात्मोपाधि भूतयोर भेद निर्देश उत्पत्ते है उपाधि द्वयोपहितस्य तु प्रत्यगात्र स्वरूपेण अभेद इति तत् प्राण एव प्रज्ञात्म इति एकीकरणम् अविरुद्धम्। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति इन दो का आश्रय है बुद्धि और प्राण, क्रिया शक्ति का आश्रय प्राण है और ज्ञान शक्ति का आश्रय बुद्धि है, तो ज्ञान क्रिया ये शक्ति द्वय का आश्रय होता बुद्धि और प्राण, ये क्या है ये दोनों? कद प्रत्यगात्म उपाधि भूतयो, ये प्रत्यगात्मा का उपाधि भूत तत्व है, अतएवन उपाधियों को भेद पूर्वक निर्देश किया गया, भेद निर्देश उपपत्ते है, प्राण एक क्रिया शक्ति उपाधि को वर्णन कर रहा है और प्रज्ञात्मा शब्द बुद्धि रूपी उपाधि का वर्णन कर रहा है, अगर प्राण और प्रज्ञात्मा को भेद रूपेण कथन करना निर्देश करना उचित है, क्योंकि दो भिन्न उपाधियां हैं और उपाधि द्वय से जो उपहित कौन है? जीवात्मा प्रज्ञात्मा प्रत्येगात्मा, उपाधि द्वयोपहित सितु प्रत्येगात्मा, और उस प्रत्येगात्मा का स्वरूपेण ब्रह्म से क्या है? अभेद है, स्वरूपेण अभेद इति प्राण एव प्रज्ञात्मा इति एकीकरणम् अविरुद्धम्। इसलिए प्राण शब्द वाच्य जो ब्रह्म है उसको प्रज्ञात्मा के साथ में एकीभूत करके कथन करना कोई गलत नहीं है, उचित ही है, कोई विरोध नहीं है, इसलिए प्राण शब्द वाच्य ब्रह्म मानने में कोई विरोध नहीं है, कोई दोष नहीं है, ये तो मुख्य सिद्धांत पक्ष में हो गया। अथवा कुछ अन्य लोग भी मानते हैं जो गलत नहीं है, वो भी मानी जा सकती है, इसलिए खंडन नहीं करेंगे भाष्यकार, पक्ष बता रहे हैं। अथवा न उपासात्रे विद्यात् आश्रितत्वादिह तद्योगात्, इसका व्याख्या अलग ढंग से, इत्यस्य अयम अन्यो अर्थः, इस सिद्धांत पक्ष का जो जवाब है सूत्र में, पूर्व पक्ष तो वैसे ही तीन पृथक उपासनाएं माननी चाहिए, अथवा दो मानो ब्रह्म उपासना है ही नहीं, जितने ब्रह्म का लिंग है वैसे स्तुति परक ले लेना, प्राणोपासना और जीवोपासना स्तुति परक ले लेंगे ब्रह्म लिंगों को, अथवा ब्रह्म की उपासना ही नहीं एक पक्ष था, और दूसरे ने ब्रह्म लिंग को मान करके तीन मान लो, प्राणोपासना जीवोपासना और ब्रह्म उपासना, सिद्धांत पक्ष ऐसा नहीं मानता, कहते तीनों धर्मों को लेकर एक ही उपासना है, एक की उपासना है तीनों का, प्राण धर्म दृष्टिया ब्रह्म उपासना,
प्रज्ञा मने जीव धर्म दृष्टिया ब्रह्मोपासना और ब्रह्म धर्म दृष्टिया ब्रह्मोपासना है। ब्रह्म की उपासना एक ही की उपासना है, अतएव एक ही उपासना है, तीन नहीं है। एक ही उपासना को तीन प्रकार के धर्मों से करना है। तो बैठेंगे चिंतन करने लगेंगे, उपासना क्या है? मानसिक क्रिया है, चिंतन है। अब उस ब्रह्म का चिंतन हमें कैसे करना है? प्राण धर्मों से, जीव धर्मों से और ब्रह्म धर्मों से ब्रह्म की चिंतन करना है। आते उपासना एक हुआ तो वाक्य में दोष नहीं रहेगा। अनेक गुणों से विशिष्ट एक उपास्य की जैसे उपासना करते हैं आप, वहां कोई विरोध नहीं माना गया, लेकिन गुण परस्पर अविरुद्ध गुण होनी चाहिए। उसी तरह परस्पर अविरोधी गुणों के द्वारा एक ही उपास्य को अनेकों गुणों से आप करते कि नहीं करते उपासना? जैसे आप तमत्व रसतमत्व छांदोग्य के परिषद में आपने देखा तद्वत। यहां पर भी जो कौशिक ब्राह्मण उपनिषद में जो वर्णन किया गया प्राण एव प्रज्ञात्मा करके, यहां शुद्ध ब्रह्म की उपासना प्राण धर्म से, प्रज्ञा धर्म से और स्वधर्म से माननी चाहिए। इसलिए न ब्रह्म वाक्य में जीव मुख्य प्राण लिंगम विरुद्ध दे, पूरा वाक्य प्रकरण ब्रह्म प्रकरण है, ब्रह्म वाक्य है, फिर भी यहां पर जीव लिंग और मुख्य प्राण का लिंग जो रखा गया है इसमें कोई विरोध नहीं है। कथम उपासात्र विद्या न की वाक्य ना न किम ना ब्रह्म वाक्य जीव मुख्य प्राण लिंगम न विरुद्धते कथम उपासात्र विद्या त्रिविधम ब्रह्मोपासना विवक्षितम, तीन प्रकार का ब्रह्मोपासना विवक्षित, तीन अलग अलग उपासना है, प्राणोपासना अलग, जीव उपासना अलग, अलग अलग नहीं, ब्रह्म की तीन प्रकार से उपासना करना इष्ट है। कैसे कैसे? प्राण धर्मेण प्रज्ञा धर्मेण स्वधर्मेण च इति, प्राण धर्म से, प्रज्ञा धर्म से और उसके अपने निज धर्मों के द्वारा भी, अजरत्व अमरत्व इत्यादि क्या है उसका अपना स्वधर्म है, उस स्वधर्मों से ब्रह्म की उपासना। तत्र आयुर अमृतम उपास्व आयो प्राण इदं शरीरं परिग्रह उत्थापयति तस्मादेत देव उक्तम उपासित इति, ये तीन प्रकार के जो वाक्य है तीनों वाक्य प्राण के धर्म का वर्णन करने मान लूंगा और उन प्राण धर्मों से ब्रह्म की उपासना कीजिए। और जीव धर्म अथ यथा अस्य प्रज्ञाई सर्वाणि भूतानि एकी भवन्ति तद व्याख्यास्यामः, ऐसा उपक्रम करके वागेव अस्या एकम अंगम अदुदुहत तस्य नाम परस्तात् प्रतिविहिता भूतमात्रा प्रज्ञया वाचम समारुह्य वाचा सर्वाणि नामानि आपनोति इत्यादि प्रज्ञा का धर्म है। यहां पर भी कहा कि आप अथा माने आप जिस प्रकार इस प्रज्ञा माने जीव में सब भूत एक हो जाते हैं उसका मैं तुम्हें व्याख्यान करूंगा। अस्यै प्रज्ञायै माने अस्याम प्रज्ञायाम ऐसा अर्थ कर देना, छांदस चतुर्थी अर्थ है, सप्तमी अर्थ में लेना चाहिए। इस प्रज्ञा रूपी जीव में सर्वाणि भूतानि एक ही भवंती, सकल भूत एक ही भूत हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं उसी प्रक्रिया को मैं तुम्हारे लिए व्याख्यान करूंगा, ऐसे इंद्र ने प्रतर्दन को उपदेश दिया था। ऐसा उपक्रम करके कहा वागे वस्या एकम अंगम अदुदुहत, वाणी ने इस प्रज्ञा के एक अंग को अर्थात देह का एक भाग का दोहन कर लिया, पूर्ण किया, दो प्रपूर्णे उस अंग से अपने आप को युक्त करके परिपूर्ण कर दिया। इसे आप जग जाए और आपकी वाणी जीवा में आकर परिपूर्ण ना होवे तो बोल पाओगे? आपको के क्या हो गया भाई, कल रात तक तो बोलता था, आप जग गया तो गूंगा हो गया। क्यों गूंगा हो गए? क्योंकि वाणी जो वाक इंद्रिय है वो आपकी जिह्वा का अंग, जीवारूपी इस अंग को अपने से पूरित नहीं किया। इसलिए कहा गया आदमी को झटपट से उठाना नहीं गहरी नींद में सोता हुआ को, जो विशिष्ट चेतनता है वो सभी अंगों में सम्यक प्रकार से नहीं पहुंच पाएगा, जिस अंग में नहीं पहुंचेगा वो अंग खत्म। इसे गहरी नींद में रहने वाले को धीरे से जगाना चाहिए, फिर उसका नाम पुकारो, चुटकी बजाओ, हाथ से थपथपाओ हल्के से, जोर से नहीं हिला दिया एकदम, घबरा जाएगा उसका चेतना, विशिष्ट चेतना है वो घबरा जाएगा,
धड़बड़ बाहर आएगा तो आते आते में कहीं हो सकता गड़बड़ हो जाए। सभी जगहों में वह विशिष्ट चेतना सम्यक प्रकार से पहुंचनी चाहिए, वह नहीं पहुंचेगा तो आदमी गुंगा भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी अंग उसका भ्रंशित हो सकता है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया कि भाई सोते हुए झटपट मत जगाओ, आराम से जगाओ, धीरे धीरे उसकी चेतना आनी चाहिए, क्रम से आना चाहिए, स्पष्ट रूप से सभी में पहुंचनी चाहिए। उसको कहते हैं तत् तद इंद्रियों का तद विशिष्ट चेतनता के माध्यम से उन अंगों में परिपूर्णता को प्राप्त हो जाना। उसको उन्होंने कहा अदूदूहत, वाणी ने इस जीवात्मा के शरीर का एक अंग को अपने से पूरित कर दिया। इसी प्रकार चक्षु करता है, हर एक इंद्रिया स्व स्व अनुग्रह का अभिमानी देवताओं से युक्त होकर के यह अंतकरण से निष्पादित विशिष्ट चैतन्य रूपा जो वृत्ति चैतन्य है स्व स्व वृत्तियों के माध्यम से तत्त्व गोलकों को परिपूर्ण कर देते हैं। उसको कह रहे हैं वागेव अस्याह एकम अस्या मैंने प्रज्ञाया, क्योंकि प्रज्ञा बोला है जीवात्मा का नाम यहाँ प्रज्ञा बोल रखा है, स्त्रीलिंग प्रयोग कर रहे हैं प्रज्ञाया एकम अंगम अदूदूत तस्यै नाम परस्तात् प्रतिविहिता। और उसकी जो क्या किया, इसलिए उस जीवात्मा ने भी उसकी चक्षुरादि से ज्ञापित भूत मात्रा दूसरे देहार्ध भाग का कारण होती है, उसके लिए क्या किया उसने तस्यै नाम परस्तात् प्रतिविहिता। उसके लिए क्या किया, नाम नाम का चीज को परस्तात् परब्रह्म परमात्मा की कृपा से ही विधान कर दिया। भूत मात्रा प्रज्ञया वाचम समारोह्य, इसलिए क्या करता है प्रज्ञा के द्वारा वह वाणी में आरूढ़ होकर के अर्थात जीवात्मा बुद्धि द्वारा, यहाँ प्रज्ञा शब्द का अर्थ बुद्धि, प्रज्ञा माने बुद्धि द्वारा वाणी में समारोह समारूढ़ होकर के, वाणी के द्वारा वाणी पर समारूढ़ हुआ और वाणी के द्वारा सकल नामों को वो प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भूत मात्राएं ग्राही विषय हुआ करती हैं और प्रज्ञा मात्राएं ग्राहक होता है, ग्राही ग्राहक भाव है ना, सकल नाम के द्वारा वस्तुओं को ग्रहण कर लेता है इत्यादि। जीव के धर्म प्रज्ञा के धर्म ने जीव के धर्मों का वर्णन किया है, वहां उस धर्म दृष्टिया भी आप ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं। तावा एता दशैव भूत मात्रा अधिप्रज्ञम दश प्रज्ञा मात्रा अधिभूतम यद्य भूत मात्रा न स्योर न प्रज्ञा मात्रा स्यो यद्य प्रज्ञा मात्रा न स्यो न भूत मात्रा स्यो इत्यादि जो कहा है ये ब्रह्म कलिंग तावयता दशैव भूत मात्रा का दिया। वह यह जो है क्या कितने हैं भूत मात्राएं दस है और किसमें आश्रित है अधिप्रज्ञम प्रज्ञाश्रित प्रज्ञा के अधीन हो जाते हो। भूत मात्र कौन है दस आपके आकाश आदि पंच महाभूत और पांच विषय, ये जो प्रज्ञा मात्राओं के अधीन है इंद्रियों के अधीन है, क्योंकि भूत भौतिक सृष्टि आपके अपनी इंद्रियां और इंद्रियजन ज्ञान अधीन है। आपकी इंद्रियां प्रज्ञा मात्रा और उनके द्वारा जनी जो ज्ञान, यह ज्ञान जिन जिन विषयों को ग्रहण कर लेता है वे ही भूत भौतिक सृष्टि आपके लिए है, नहीं तो रहते हुए भी आपके लिए कहां है। इसलिए भूत भौतिक सृष्टि प्रज्ञा अधिप्रज्ञ हो गया और अधिप्रज्ञ भी क्या है ज्ञान कहां से आ गया, इंद्रिया कैसे प्रवृत्त हुई यदि विषय और भूत ना होते तो। इसलिए अन्योन्य आश्रित है, परस्पर आश्रित है। इसलिए कहते हैं दश प्रज्ञा मात्रा, प्रज्ञा मात्रा दस कौन है पंच ज्ञान इंद्रिया पंच और उनके पंच ज्ञान उनसे जन जो पंच ज्ञान नहीं पहले विषय लिए ना, पहले आपने भूत लिया पंचमहाभूत और उनसे जन जो भौतिक सृष्टि वही विषय हो गया घटपटादि विषय, वो इसमें कहां से आएगा प्रज्ञा कोटि में नहीं लेने का उसको, वो उस कोटि में ही रहेगा भूत और भौतिक शब्दादि विषय भौतिक है और आकाश आदि पंचमहाभूत है, भूत और भौतिक विषयों को भूत मात्रा शब्द से कह दिया और इंद्रिया और इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले जो ज्ञान इनको प्रज्ञा मात्रा से ज्ञान इंद्रिय लेना केवल पंच ज्ञान इंद्रिया और उनका पंच विषय ज्ञान, विषय नहीं विषय का ज्ञान को लेना ये प्रज्ञा मात्र शब्द कर दिया। ये भी दस हो गया ना, ये किसके अधीन है अधिभूतम भूतों के अधीन, इंद्रियों की प्रवृत्ति भूताधीन है, इंद्रियों से जन ज्ञान भी भूताधीन है, इस तरह परस्पर एक दूसरे के अधीन है। आगे कहेंगे नहीं अन्यतर तो रूपम किंचन सिद्धे,
नहीं। इसलिए यदि भूत मात्र न स्यु, यदि मान लीजिए भूत मात्र न होते तो प्रज्ञा मात्र भी नहीं होता, और यदि प्रज्ञा मात्र न होता तो भूत मात्राओं की विद्यमानता सिद्ध नहीं होती। नहीं अन्यतर रूपम किंचन सिद्धेत, अन्यतर में से किसी एक का भी जो स्वरूप है स्वतंत्रता पूर्वक कोई सिद्ध नहीं कर सकता। कोई इनकी स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्र रूपेण केवल भूत रह गया हो, केवल भौतिक चीज रह गया, केवल इंद्रियां रहे, चाहे केवल ज्ञान रहे, ऐसा हो नहीं सकता। ये चारों एक दूसरे से आश्रित है, परस्पर अन्योन्य आश्रित। नो एतन नाना, इसलिए इनको नाना मत समझे, 20 है ऐसा मत समझे, ये सब एक ही है, समझना। एक दूसरे का आश्रित है ना, एक दूसरे से अधीन होकर चल रहे हैं, इसे सब मिलकर के एक ही है, क्या है वो संसार। इसे तो नो एतत नाना, इसलिए ये जो चीज है इसको नाना माने अनंत भेद वाला अनेक है ऐसा न समझे, वो एक ही है। तद यथा रजस्यारेश ने मिरर्पिता, इसी बात को समझाने के लिए इंद्र ने इस मंत्र का प्रयोग किया था। जैसे रथ की अराएं नेमी में अर्पित होती हैं और वह नेमी भी नाभि में अर्पित है ना, यथा रथस्य अरेशु नेमी अर्पिता, अराओं में कौन अर्पित है, नेमी, नेमी मैंने बाह्य परिधि, वो क्या है अराओं में जो स्पोक्स होते हैं उनमें अर्पित है, वो अराएं कहाँ अर्पित है पुनः नाभो अरा अर्पिता, जो नाभि प्रदेश में सारी अराएं अर्पित है। और एवमेव एता भूत मात्रा, उसी प्रकार से समझ लीजिए ये भूत मात्राएं वायु परिधि के समान है, वे कहां अर्पित है प्रज्ञा मात्रा सुअर्पिता, प्रज्ञा मात्रा में अर्पित है, और प्रज्ञा मात्राएं कहां अर्पित है प्राणे अर्पिता है ना, प्रज्ञा मात्रा प्राण मैंने ब्रह्मणी अर्पिता, प्राण शब्द वाच्य ब्रह्म, ब्रह्म अर्पित है। सयेश प्राण एव प्रज्ञात्मा, इसलिए वह यह जो प्राण रूप ब्रह्म है वही प्रज्ञात रूप जीवात्मा है, इत्यादि ब्रह्म धर्म इत्यादि के द्वारा ब्रह्म धर्म का कथन हुआ। तस्मात् ब्राह्मण एव एतद् उपाधि द्वय धर्मेण स्वधर्मेण च एकम उपासनम त्रिविधम विवक्षितम, आ गया ना, इसीलिए यह ब्रह्म का उपाधि द्वय धर्म से और स्वधर्म, उपाधि द्वय कौन है प्राण रूपी उपाधि जीव रूपी उपाधि द्वय धर्म के द्वारा और स्वधर्म के द्वारा एक उपासना तीन प्रकार से करना विवक्षित है। कहते इसमें क्या प्रमाण है, ऐसा भी होता है, कहते हैं एक तरह से भूमि का भी हो जाता है, अगले पाद का पहला अधिकरण यही विषय वाक्य, इसे जानकर भाष्यकार उसको रख दिया जोड़ संबंध करने के लिए। अन्यत्रापि माने छांदोग्यादियों में भी मनोमय प्राण शरीर इत्यादि उपाधि धर्मेण ब्रह्मण उपासनम आश्रितम, उपाधि के धर्मों के द्वारा उस ब्रह्म की उपासना स्वीकार कर लिया गया है। यहाँ पे तदीयते, इसलिए यहाँ पर माने इस कौशित की ब्राह्मण उपनिषद में भी ऐसा करना इसलिए उचित ही है। वाक्य से उपक्रम उपसंहाराभ्याम एकार्थत्वगमात, कि ये वाक्य क्या उपक्रम और उपसंहार के माध्यम से एकार्थत्व को स्वीकार किया गया है, एकार्थोपस्थित जनकत्वम ये माना गया है, एकार्थोपस्थित जनकत्वम को ही वाक्यार्थत्व मानते हैं और मीमांसक लोग, और वो भी उन्होंने कैसे माना, उन्होंने मीमांसक लोगों के बराबर पहले भी हमने कल भी बताया था विचार करते हुए वाक्यार्थ निर्णय करने में मीमांसकों को सभी ने माना, इसीलिए कि उनकी पद्धति बिल्कुल स्पष्ट और साफ और सही है। कैसे वो कहते, देखो कोई भी वाक्य है तो दो भाग जरूर होगा, एक उद्देश्य एक विधेय, अंग्रेज भी है तो नकल किया है सेंटेंस में क्या है एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, होता कि नहीं होता है, बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कोई सेंटेंस होता नहीं, वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, और दो भाग रहते हुए कंप्लीट सेंस ना हो तो वो सेंटेंस ही नहीं है बोलते, वो भी मान रहे। सभी लोगों को स्वीकार करना पड़े मीमांसकों का देन है, नकल से भी भाषा वालों ने कर दिया, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, एंड दैट सेंटेंस डिवाइड टू टू डिविजन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये मानते हैं। तो उसी प्रकार यहां पर भी समझिए,
पद्व समूह का मात्र वाक्य नहीं है, जैसे नैयायिका पद समूह वाक्यम, नहीं नहीं पद समूह करने से कोई फायदा नहीं है, ये वाक्य में वाक्यार्थ कैसे तय होगा। कार्य पुरुष हो हस्ती गधा घोड़ा सब नए नाम लिखना लाइन से पद समूह तो है, आकांक्षा सन्निधि योग्यता चाहिए, फिर उनको भी जोड़ना पड़ा केवल पद समूह नहीं वाक्यार्थ ज्ञान के अथवा आकांक्षा योग्यता सन्निधि। और ये सीधे सीधे बोल देते इसलिए लफड़े में मत जाओ, एक के बाद एक ये कह दिया फिर उनमें न्यूनता आई, फिर दूसरा जोड़ो फिर तीसरा जोड़ो, काहे को लफड़े में पड़ो, सीधे बोल दो। तीन चीज होती है वाक्य में, उद्देश्य विधेय और भावना। भावना में ही उद्देश्य और विधेय अर्पित होकर विराजमान होता है। कारकाणां क्रियैव अन्वेति, सारी कार्य क्रिया होते हैं क्रिया में अन्वित होते हैं, उस क्रिया का नाम भावना। उसको उद्देश्यता विशिष्ट विधेयता विशिष्ट भावना अवगाहितम एकार्थ का मतम कर दिया। उद्देश्यता विशिष्ट विधेयता विशिष्ट भाव अवगाहितम में एकार्थोपसृजनकत्वम वाक्यार्थत्वम में मीमांसकों का लक्ष्य। और वह एक युग ने विशिष्ट कह रहे हैं आप, अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय विशिष्ट क्रिया नहीं हो सकती, एक क्रिया का एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य होनी चाहिए होगा, अनेक विधेय अनेक उद्देश्य नहीं हो सकता। अनेक उद्देश्य और अनेक विधेय वाक्य वाला जो है वाक्यार्थ का भंग हो गया माना जाएगा, वो एक अर्थ का अवगाहन नहीं कर सका। एकार्थ उपस्थिति जनकत्वम एकार्थ अवगाहितम या भावावगाहितम नाम का जो चीज वाक्य में तब नहीं मानी जाएगी यदि उस वाक्य में अनेक उद्देश्य होगा और अनेक विधेय होगा। तो इसीलिए हमें हर एक वाक्य में क्या मानना पड़ता है, उपक्रमोपसंहार के द्वारा वाक्य में एकार्थत्व स्वीकार करना चाहिए। इसके वाक्य से उपक्रमोपसंहाराभ्याम एकार्थत्व अवगमा प्राण प्रज्ञा ब्रह्मलिंग अवगमाच्छा। और उस एक वाक्य में क्या है, प्राणलिंग प्रज्ञालिंग ब्रह्मलिंग तीनों ही है, ऐसे वह तीन प्रतीक उपासना के नहीं हो सकता। एकार्थत्व को स्वीकार करने से एक उपासना मानना पड़ेगा, हमारा उद्देश्य एक है और उस एक उद्देश्य के लिए अनेक गुणों का मैं विधान कर रहा हूं, प्राण धर्मों का विधान कर दिया, जीव धर्मों का विधान कर दिया और ब्रह्म धर्मों का विधान कर दिया, इन धर्मों के द्वारा एक ही ब्रह्म की एक ही उपासना करने के लिए हम विधान कर रहे हैं। अतः वाक्यार्थ भेद वाक्य भेद दोष या नहीं हो सकता। जिन वाक्यार्थ में आप ये स्वीकार कर लेते हो उस वाक्य में दो उद्देश्य है अतीव अनेक विधान हो गया तो वहां स्थिति क्या हो जाएगी, वाक्यार्थ का स्थिति एकार्थत्व नाम का जो चीज है वह तो भंग हो गया, वह तारुष भंग होने का नाम ही वाक्य भेद दोष। बारंबार आता है ये, बहुत जरूरी है समझना इस वाक्य भेद को। एक वाक्य का अनेक उद्देश्य मानकर अतएव अनेक विधेय कोटि मान लेता है, जहां वह वाक्य का एकार्थकत्व नाम का जो चीज है एकार्थ अवगाहित्व नाम का जो लक्ष्य है वह भंग हो जाने का नाम वाक्य भेद होता है। अतएव हमें क्या करना पड़ता है, वाक्यार्थ का जो निर्णय है एकार्थ अवगाहितम एकार्थोपसृजनकत्वम नाम का चीज को बनाए रखने के लिए एक ही उद्देश्य मानना पड़ेगा, अनेक उद्देश्य नहीं मान सकते। और उद्देश्य का निर्णय कैसे होगा, उपक्रम उपासमार अभ्यास पूर्वता इत्यादि के माध्यम से करना होगा। और उसके अनुसार जो सिद्धांत पक्ष में ब्रह्म ही मुख्य है और उसको जो हमने प्राण धर्म जीव धर्म स्वधर्मों के द्वारा उपासना करता हूं तो वाक्य भेद दोष नहीं रह जाता है। तस्मात ब्रह्म वाक्यम एतत् इति सिद्धम, इसलिए यह वाक्य जो कौशित के ब्राह्मण परिषद का था प्राण एव प्रज्ञात्मा, यह ब्रह्म विषयक वाक्य सिद्ध हुआ। इस प्रकार से प्रथम अध्याय के प्रथम पाद परिपूर्णता को प्राप्त हो गया। और इसमें आपने जो देखा है स्पष्ट ब्रह्मलिंगों का विचार था, उसे स्पष्ट ज्ञेय ब्रह्म का भी निर्गुण ब्रह्म का विचार किया ना, तो वायुमानी भूतानि जैसे लक्षण आदि बताने की शक्ल दृष्टिकोण से इच्छित्रना शब्द इत्यादि के द्वारा स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्यों के माध्यम से ज्ञेय ब्रह्म का वर्णन हुआ। और उसके बाद में उपासनाओं को ली गई, उपास्य ब्रह्म का भी विचार हो गया, स्पष्ट ब्रह्मलिंगक उपास्य ब्रह्म का विचार हो गया। हमेशा पूरे प्रकरण ज्ञेय ब्रह्म और उपास्य ब्रह्म,
निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म दो ही है, कोई तीसरी नहीं है। तो स्पष्ट लिंग से युक्त वाक्यों का विचार पूरा हो गया एक पाद में, और आगे जो दो पाद आ रहे हैं वह पहला जो दूसरे पाद जो आ रहा है आपका, वह अस्पष्ट लिंग वाले वाक्यों को लेकर के उपास्य ब्रह्म में घटाना है। अस्पष्ट ब्रह्म लिंग वाक्यानाम उपास्य ब्रह्म विषयाणाम विचार है, इसलिए अस्पष्ट ब्रह्म लिंग का वाक्यों को उपास्य ब्रह्म पर घटाएंगे। तीसरी बात में क्या करेंगे, अस्पष्ट ब्रह्म लिंग वाक्यों को लेकर के ज्ञेय ब्रह्म में घटा देंगे। अतः प्रथम पाद एवं दूसरे और तीसरे पाद का परस्पर क्या हो गया, कार्य कारण भाव रूप संगति हो गया, कार्य कारित्व नाम का संगति होता है। एक ही कार्य को लेकर हम जो लक्षित करके जो अनेक काम करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, कार्य कारित्व या कार्य कारण भाव रूपा संगति। पूर्व में ज्ञेय ब्रह्म का विचार हो गया, उपास्य ब्रह्म का विचार हो गया, लेकिन वह विचार स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्यों को लेकर के था। इसलिए बार बार कहते आकाशस्तलिंगा तद हेतु उपदेशाच तद योगाच इत्यादि अपने सूत्रों के सुना है या नहीं, तो वो जो शब्दावली क्या है, स्पष्ट लिंग का बोध करा है। और अब उन वाक्यों का लेना है जिसमें स्पष्ट रूपेण ब्रह्म का लिंग नहीं है, अन्य लिंग ही स्पष्ट है, ब्रह्मलिंग स्पष्ट नहीं, अन्यार्थों को बोध कराने के सामर्थ्य वाले शब्द हैं, यानी ब्रह्म को बोध कराने के सामर्थ्य वाले शब्द नहीं है। ऐसे वाक्यों को लेकर के उनको भी पुनः दो भाग में, एक पहला एक पाद लेंगे पूरा पाद पूरी की पूरी उपास्य ब्रह्म के लिए, और तीसरा पाद ज्ञेय ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए। इसलिए पूर्वोत्तर पादों का परस्पर संगति कार्य कारण भाव संगति हुआ, प्रथम पाद का दूसरी और तीसरी पाद के साथ में कार्य कारण भाव संगति है। और आप पूर्वाधिकरण के इस अधिकरण के साथ देखिए, पूर्वाधिकरण में आपने कहा कि प्राण शब्द वाच्य ब्रह्म है, और प्राण धर्मों से अन्य अन्य धर्मों से ब्रह्म की उपासना कथन किया, वहां वाक्य भी दिए थे मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि वक्त आपने दिया, उस पर प्रत्युदाहरण खाता है। इसलिए प्रत्युदाहरण संगति से यह अधिकरण आरंभ होगा, सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरण ये प्रत्युदाहरण संगति से आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि यहां वहां तो प्राण एव प्रज्ञात्मा में ब्रह्मलिंग थे, लेकिन मनोमय प्राण शरीर भारूप में ब्रह्मलिंग है नहीं, प्राण प्रज्ञा तो ब्रह्मलिंग थे, आनंद अजरो अमृतो शब्दावली आ गया था है कि नहीं, और सारे भूत जिसमें लय होते वो आकाश आदि का विलय जीवादि में तो घटेगा नहीं, प्राण में घटेगा नहीं, वो तो ब्रह्म ही होगा। अतः वहां पर स्पष्ट ब्रह्मलिंग था, लेकिन उसी जगह हमने मनोमय प्राण शरीर दृष्टांत बना दिए, तद्वत कह दिया, ये कैसे कह दिए, नहीं हो सकता। इसे प्रत्युदाहरण संगति आपके उदाहरण के खिलाफ हम फिर उठा रहे, प्रत्युदाहरण संगति से अगला अधिकरण आरंभ होता है, सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरण प्रथम अध्याय द्वितीय पाद का पहला अधिकरण है। इस अधिकरण के अधिकरण सार सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरण मनोमयोयम शारीर ईशो वा प्राण मानसे हृदय स्थितनीयस्त्वे जीवे स्युस्तेन जीवगाः समवाक्यगतं ब्रह्म तद्धितादि परे तद्धितादिरपेक्षते प्राणादि योगश्चिन्तार्था चिन्त्यं ब्रह्म प्रसिद्धितः। मनोमयं प्राण शरीरम इत्यादि शब्द है, यहां पर क्या लेना है, शारीरः ईशो वा जीवात्मा को लेना है या ब्रह्म को लेना है, उपास्य ब्रह्म को, प्राण मानसे हृदय स्थिति अनियस्त्व प्राण शब्द आया, मनोमय प्राण शरीर और मन शब्द भी है प्रसिद्धि, इसको तो जीवात्मा का अवयव होता है मन, हृदय में स्थिति और सूक्ष्मता का वर्णन, ये सब लिंग साबित करता है या ब्रह्म शब्द वाच्य जीव ही है। सर्वं खलविदं ब्रह्म चांदोग्य परिषद का यह मंत्र विचारणी विषय है, सर्वं कल्विदं ब्रह्म तज्जनायति शांति इति पासित
अथ खलु कृतुमय पुरुषो यथा कृतरस्मिन् लोके पुरुष भवति तथा इतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत मनोवय प्राण शरीरो भारूपः। इस विषय वाक्य में इसलिए मनोमय शब्दवाच्य प्राण शरीर शब्दवाच्य जीव ही लेना चाहिए, ब्रह्म नहीं लेना चाहिए। तेन जीव गायव स्युः मनोमय इत्यादि शब्दाः तो सिद्धांतिकता ऐसा नहीं हो सकता। यह वाक्य उपासक प्रज्ञ शांत उपासित बोला है। और किसकी उपासना करनी है? ब्रह्म सर्वम खलु इदम् ब्रह्म शांति उपासित। इसीलिए कहते समवाक्य गतम ब्रह्म, तो इसको कहते समवाक्य। शांत उपासित के वाक्य का नाम समवाक्य। सर्वं कलिदं ब्रह्म तज्जलानिधि शांत उपासित, यहां तक का जो वाक्य का नाम समवाक्य। तो समवाक्य गत जो ब्रह्म है वही तद्धिताधिर अपेक्षते, तो उसी को लेना, क्योंकि तज्ज तल्ल तदन इत्यादि जो अपेक्षित है वो उसी में हो घट सकता है, जीव में घट नहीं सकता। सारी सृष्टि जिससे पैदा हुआ, जिसमें लीन होता है, जिसमें स्थित है, तज्ज मने तज्जन्य, अतल्ला मने जिसमें लय, तद आना मनो से जो प्राण स्थिति, ये तीनों बात जीव में घटेगा नहीं, अतएव ब्रह्म ही माननी चाहिए। प्राणादि योग चिंतार्था, और प्राणादि का कथन क्यों किया फिर? अरे उन धर्मों से, उन उपाधियों के माध्यम से ब्रह्म का चिंतन करना, उन उपाधियों को लेकर के ब्रह्म का चिंतन करने के लिए उन उपाधियों का नाम ले लिया गया है, चिंत्यम ब्रह्म प्रसिद्धतः। इसीलिए प्रसिद्धि के अनुसार यहां ब्रह्म ही चिंत्य है, सिद्ध हो गया। अब भाष्यकार पूर्व पाद का संग्रह करेंगे, फिर उत्तर पाद में क्या बोलने जा रहे हैं उसके लिए पीटिका बांध रहे हैं, भूमिका। प्रथमे पादे, प्रथम पाद में जन्माद्य स्थिति त्यागाशादे समस्त से जगतो जन्मादि कारणम ब्रह्म इत्युक्तम, जन्माद्य से इत्यादि सूत्रों के द्वारा आकाश आदि समस्त जगत का जन्म आदि के प्रति कारणभूत तत्व शुद्ध ब्रह्म ही है, यह बात कह दिया गया। तस्य सर्व जगत कारण से ब्रह्मणो व्यापितम नित्यत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं सर्वातुत्तम इत्यवंचात्य काः धर्माः उक्ताय भवन्ति। और साथ साथ विचार कर उत्तर उत्तर अधिकरणों में प्रधान आदि का जब खंडन किया तो सिद्ध किया, प्रधान में हो नहीं सकता, क्या सर्वज्ञ तो नहीं हो सकता, सर्वशक्ति तो नहीं हो सकता, खंडन करते हुए हमारे अपने ज्ञेय ब्रह्म में इन सारे धर्मों का साबित कर दिया। तो प्रधान में नहीं है और वह धर्म यहां ब्रह्म में है, ऐसे खंडन के माध्यम से ही स्व सिद्धांत की स्थापना करते गए हैं। किस प्रकार से है वह समझ जगत कारण, तो जो ब्रह्म के अंदर व्यापित धर्म है, नित्यत्व धर्म है, सर्वज्ञत्व धर्म है, सर्वशक्ति धर्म है, वो सर्वात्त्व धर्म है, इत्येवं जाति का धर्म आपि उक्ता एव भवन्ति। अर्थान्तर प्रसिद्धांच केषांचित शब्दानां, उसके बाद क्या किए? अर्थांतरों में जो प्रसिद्ध आकाश प्राण इत्यादि शब्दों का ब्रह्म विषय हेतु प्रतिपादन, ब्रह्म विषय हेतुओं का प्रतिपादन करके कानिचित वाक्यानि स्पष्ट ब्रह्मलिंगानि संधीयमानानि ब्रह्म प्रत्यानि गृणीतानि, कुछ कुछ वाक्यों को उठाया गया जिसमें स्पष्ट ब्रह्मलिंग थे, लेकिन फिर भी अन्य लिंगों की भी संभावनाओं को देखते हुए संशय हुआ, उन संशय का निवारण करता हुआ विन समस्त वाक्यों के प्रकरणों को ब्रह्म परक निर्णय कर दिया गया। पुनरपि अन्यानि वाक्यानि अस्पष्ट ब्रह्मलिंगानि संधीयन्ते। और अब पुनः इस दूसरे पाद में क्या कर रहे हैं, दूसरे और तीसरे पादों में अस्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्यों को लेकर के संशय किया जाएगा। किम परम ब्रह्म प्रतिपादयन्ति आहुस्वित अर्थांतरं किंचिदिति, इन सब वाक्यों में यही विषय होगा, क्या यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा का कथन किया गया है अथवा अर्थांतर वस्तुओं को बोध करा दिया। तन्निर्णयाय द्वितीय तृतीय पादौ आरभ्यते, इस बात का निर्णय करने के लिए दूसरे और तीसरे इन दोनों पादों को आरंभ किया जाता है, उसमें से सबसे पहले सर्वत प्रसिद्ध अधिकरण नाम से आरंभ हुआ जिसका सूत्र है सर्वत प्रसिद्ध उपदेशा। सर्वत्र माने सब वेदांतों में, समस्त वेदांत ग्रंथों में प्रसिद्ध उपदेशा,
सर्वम खलविदं ब्रह्म इत्यादि वाक्यों में जल कांड पर प्रसिद्ध ब्रह्म का ही उपदेश है। अतएव तत्सन्निकृष्ट तद उपसंहार के पूर्व में पठित जितने भी मनोमय भारूप प्राण शरीर इत्यादि जो शब्द होंगे वह शब्द धर्म पर लेना इत्यादि धर्मों से उसी ब्रह्म का उपास्य ब्रह्म का ही उपदेश हुआ है। अतः मनोमय इत्यादि ब्रह्म शब्द वाच कौन होगा? ब्रह्म ही होगा। मनोमय तो गुण विशिष्ट ब्रह्म को ही लेना है मनोमय शब्द से, जीव को नहीं लेना। आरंभ होता है पूर्व पक्ष वगैरह कथन करेगा, विषय वाक्य पहले बता रहे हैं, इदम आमनायते, यह मंत्र पठित है छांदोग्य उपनिषद 3.14.1 और 3.14.2 में। सर्वं खलविदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित, स्पष्ट कह दिया इदम सर्वं जगत, यह समस्त जो जगत है निस्संदेह, खलो का मतलब क्या? निस्संदेह ब्रह्म ही है, इसका कारण समझो। क्यों? तज्जलान इति कि तज्ज तल्ल तद्दन, क्योंकि उसी ब्रह्म से जन्य है, उसी ब्रह्म में लीन होता है और उस ब्रह्म से स्थित है, ऐसे उस ब्रह्म को शांत इत्युपासित। क्यों भाई ऐसे करना चाहिए, क्या लाभ होगा? क्योंकि संसार में आप जैसे धर्मों की भावना करते हो वैसे धर्म वाले आप हो जाते हो। यथा खलु क्रतुमय पुरुषो, अथ खलु क्रतुमय पुरुषो भवति, क्योंकि यह देखने को मिला है संसार में पुरुष निश्चय ही संकल्पमय होता है, जैसा संकल्प करोगे वैसे हो जाए। स्वप्न में भी देख रहे हैं आप, जैसे संकल्प करते हो वैसे होते जाते हो, वह गलत संकल्प कर जाते हो यहां भी असर कर जाता है शरीर पर, नहीं तो स्वप्न का शरीर में बिगड़ना चाहिए ना। इसे स्पष्ट हो जाता है ना, यदि पुरुषों को स्वप्न दोष नाम का चीज ना होता तो पता ही नहीं चलता, विवाद कर जाते। अब उसके कारण समझना पड़ेगा आपने स्वप्न इसी शरीर में रखकर देखा था, और देखते वक्त यद्यपि हमारा मन और सब अलग चीजों को बना रखा है, इन वह जैसी भावना करोगे उसका असर इस शरीर पर भी हो जाता है। इस निश्चय है क्रतुमय पुरुष, यथा क्रतुर अस्मिन लोके पुरुष होती तथा इत प्रेत्य भवती, इसलिए जिस प्रकार के संकल्प वाला यह पुरुष यहां रहते वक्त होता है तो मरने के पश्चात उसी संकल्पानुसार फल प्राप्त कर लेता है। सकृतं कुर्वीत, इसलिए पुरुष को का कर्तव्य क्या है? उचित उत्कृष्ट संकल्प करनी चाहिए। मनोमय प्राण शरीरो भारूप, कैसा संकल्प करें? यही भान विचार करो, मैं मनोमय धर्म वाला ब्रह्म हूं, मैं प्राण शरीर वाला ब्रह्म हूं, मैं भारूपा ब्रह्म हूं, उस स्वरूप का मैं अनुभव करना चाहता हूं, वो संकल्प करना चाहिए, इत्यादि छांदोग्य में विषय वाक्य आया। तत्र संशय, वहां संशय हो रहा है कि मैं मनोमय इत्यादि धर्म ही शारीर आत्म उपास्यत्वेन उपदिश्यत आहोस्वित परम ब्रह्म इति, यहां क्या मनोमय इत्यादि धर्मों के द्वारा शारीर आत्मा उपास्य रूपेण कथन किया जा रहा है अथवा परम ब्रह्म की ही उपदेश दिया गया है उपास्य रूपेण? उपास्य कौन है इन वाक्य शब्दों के द्वारा? कि ये शब्द तो उपाधिगत उपाधियों को बता रहे हैं और उपाधि के धर्मों को बता रहे हैं, क्या इन शब्दों के द्वारा तत्व उपाधियों के माध्यम से उपाधि धर्मों के माध्यम से जीव की उपासना किया जाए अथवा ब्रह्म की उपासना किया जाए? दावत प्राप्तम शारीर, क्या प्राप्त है? संभावना किसकी है? पूर्व पक्षी कहता है भाई जीव की उपासना माननी चाहिए। कुतः, क्यों, क्या हेतु है आपके पास? कद तस्य कार्य करणाधिपते प्रसिद्धो मन आदि संबंधो न परस्य ब्रह्मण, क्योंकि इस जीव का ही मामले में बात प्रसिद्ध
क्या प्रसिद्धि है, क्योंकि जीव को कहा जाता है ये कार्य कर्ण संघात का अधिपति स्वामी है और इस स्वामी का मन आदि कर्णों के साथ संबंध भी प्रसिद्ध है। कार्य कर्ण संघात का यह मालिक है, अतएव वो कर्णभूत मन प्राण आदियों के साथ इसका संबंध भी प्रसिद्ध है। न परस्य ब्रह्मण, और पर ब्रह्म का न प्राण से संबंध है न मन से संबंध है, सर्व संबंध में निषेध है। अप्राणो ह्यमना शुभ्र मुंडकोपनिषद, वह प्राण से संबंध से रहित है, मन का संबंध से रहित है, वह अत्यंत विशुद्ध है, ऐसे ब्रह्म के बारे में कहा गया। अतः मनोमयो प्राण मनोमय प्राण शरीर शब्द वाच्य जीव ही होगा, ब्रह्म नहीं हो सकता इत्यादि श्रुति व्याह एक देशी वेदांती शंका पहले कर रहा है। ननु सर्वं खलु इदं ब्रह्म इति स्वशब्देन ब्रह्मोपात्तम्। अरे साक्षात ब्रह्म शब्द है यहाँ पर, फिर भी तुम जीव कहां से पकड़ रहे हो? शुरुआत में ही ब्रह्म शब्द से बोल दिया गया है सर्वं खलु इदं। जब ब्रह्म शब्द अपने मुख से स्वशब्द के द्वारा कथन हुआ है तो वहां जीव की आशंका कहां से घुसाया आपने? स्वशब्द ब्रह्मोपात्तम कथम ये शारीर आत्मोपास्य आशंक्यते। तो पूर्व पक्ष कहते हैं हाँ शब्द तो है वहां, इन अर्थ वही थोड़े है, नहीं से दोष है, इसलिए कहता है शब्द रहने मात्र से थोड़ा बनेगा, वहां भी हम आकाश आदि शब्द देते, आपने क्या बोला? अरे शब्द भले ही है, इसका अर्थ ब्रह्म है। कहते हैं ब्रह्म शब्द भले ही इसका अर्थ जीव है, क्यों? ये तो हमारे पास है। नहीं से दोष, इसलिए कहता है पूर्व पक्षी नेदम वाक्यम ब्रह्मोपासना विधि परम, क्योंकि यह वाक्य ब्रह्म की उपासना की विधि परक नहीं हो सकता। किंतरी क्योंकि वो तो शम विधि परम, पूर्व पक्षी कहता है तो शम विधि परक है, वहां ब्रह्म का विधान ही नहीं, ब्रह्म कोई मतलब है नहीं, वहां तो शांत उपासित शांतत्व शमत्व का उपाय जहां पर का विधान किया है नैष्ठ। यत कारण सरंकल ब्रह्म तना शांत उपासित, क्योंकि तात्पर्य है कि संपूर्ण विकारात्मक जगत भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि उससे उत्पन्न होता है, उसमें लीन होता है, उसमें चेष्टा करता है, फिर वो ब्रह्म शांत रहता है ना, इसलिए शांतत्व गुण का विधि है यहाँ पर, ब्रह्म का विधि है, ब्रह्मोपासना की विधि है, शम का विधि है, ये पूर्व पक्ष कहना है। पूर्व पक्ष कहता है उस जब सारा जगत एकात्म एक ब्रह्म रूप ही है तो अब क्या करें, उसका स्वयं शब्द ये तदुक्तम भवति, स्पष्ट कर रहा है स्वयं पूर्व पक्ष, स्पष्ट कर रहे हैं देखो ये तदुक्तम भवति, या क्या कहा गया इस वाक्य में, शम का विधि कह दिया आपने, कैसे कह दिया शम का विधि यहाँ पर है, तो समझाओ। तो पूर्व पक्ष समझाता है, देखिए यस्मा स्वरम इदम विकार जातम जगत ब्रह्म, ये सब पूर्व पक्ष बोल रहा है, जिसलिए ये विकार जात समस्त जगत ब्रह्म ही है, फिर क्यों राग द्वेष कर रहे हो, शांत रहो, ये कह रहा है वाक्य, तो ब्रह्म को कहा बता रहा है, ये तो कहता है जिसलिए ये सारा विकार समूह भूत जो जगत है ये ब्रह्म ही है, क्यों ब्रह्म है, क्योंकि तज्जत तल्लत तदनत्वाच्च, कि ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, ब्रह्म से स्थित है, ब्रह्म में लीन होता है, अतः नच सर्वस्य एकात्मत्व न रागादि संभवंती, जब सारा जगत ब्रह्म रूप ही है तो वहां पर जो एक रूप होने के कारण से राग आदि संभावना ही नहीं, अनेक रूपता जहां है वहीं पर राग द्वेष आदि होगा, आपके अपने अनुकूल रूप को प्रति आपके अंदर राग जगता है, आपके प्रतिकूल रूप जो भी होगा उसमें आपको द्वेष होता है, जब सब एक ही रूप वाले हैं आप किससे प्रति राग किसके प्रति द्वेष कर पाओगे, तस्मात शांत उपासित नच शम विधि परत्व सती अनेन वाक्येन ब्रह्म उपासन नियंत्रण शक्यते। जब इस वाक्य के द्वारा शम को विधि आपने मान लोगे फिर तो इसी वाक्य ब्रह्म की उपासना करो तो फिर वही वाक्य बेदोष हो जाएगा, वाक्य बेदोष आएंगे नहीं आएगा, इसका दो दो विधि मान लिया ना आपने, दो वस्तुओं का विधि कर दिया आपने, एक शम का भी विधि ब्रह्म का भी विधि, दो दो विधि हो जाए तो वाक्य बेदोष हो जाएगा, विधि एक होगा अतव शम विधि है, और शम विधि होने से शम विधि शम कौन करेगा, क्या ब्रह्म शमन करेगा क्या है, ब्रह्म को शम करने की जरूरत क्या, जिसके अंदर भ्रांति की वजह से राग द्वेष आदि हो रखा है उसको समझाया जा रहा है सारा जगत एकात्म रूप होने से राग द्वेष छोड़ो, शम का अभ्यास करो,
किसके लिए संभव है? जीव के लिए ही संभव है, इसलिए प्रकरण जीव का है, ब्रह्म का ये पूर्व पक्ष क्या था? उपासनंदो हर सकृतं कुर्वीत इत्यनेन विधीयते। उपासना विधि क्या मान रहा है? वो शांत उपासित में जो उपासित है उपासना की विधि वाचक नहीं है। कृतम कुर्वीत, कुर्वीता में जो है ना वो विधि है, वो साधन का विधान करता है, अंग विधि है, ये अंगी विधि है। कृतम कुर्वीत मुख्य है, वो कृत कैसा करो? शांत उपासित जोड़े, वह केन को बता रहा है या नहीं? इसलिए इनका कहना कि देखो स कृतुं कृत्येन विधीयते, कृतु संकल्पो ध्यानम इत्यर्थ। कृतु का मतलब क्या? संकल्प, चिंतन, ध्यान। तस्य विषयत्वेन श्रूयते, उसी का विषयत्व नहीं श्रुत है मनोमय प्राण शरीर जीवलिंग, मनोमय प्राण शरीर इत्यादि जीव के लिंग श्रुत है। अतो ब्रूम जीव विषय में तद उपासना मिति, इसलिए मैं कहूंगा यह जीव विषय की ही उपासना है। ये जीव को कहा जा रहा है भाई तुम शमनादि करो, शमनादि के द्वारा अपने स्वरूप का तुम चिंतन करो, ये अर्थ हुआ। लेकिन वहां सर्वकर्मा सर्वकाम है, जीव तो सर्वकर्मा नहीं सर्वकाम है नहीं, तो ब्रह्मलिंग लग रहे हैं। सर्वकर्मा सर्वकाम इत्याद्यपि श्रूयमाणं पर्यायेन जीव विषय उपपद्यते, वह भी क्रमश जीव का विषय ही बन जाए। सर्वकर्म वाला और सर्वकामना वाला ये क्रमशः जीव में ही घटेगा। क्यों? कैसे क्रम से घट जाए? अरे भाई आप तो 84 लाख योनि पार करके आए हो कि नहीं आए हो? मनुष्य बने हो तो हाँ बन गया है। फिर हरेक योनि में आपने अलग अलग कर्म किया कि नहीं किया? हरेक योनि में अलग अलग तरह का संकल्प किया कि नहीं किया? इसलिए आप सर्वकर्म सर्व संकल्प हो गए कि नहीं हो गए? इतने योनियों में पार कर रहा है, उन सकल योनियों में अलग अलग कर्म किया, अलग अलग कामनाएं की और अलग अलग विषयों को उपभोग किया है। अरे सब प्रकार के कर्म आपने किया, सब प्रकार के कामनाओं को उपभोग किए ही है आप, अतएव जीव में सर्वकर्मा सर्व काम शब्द घट जाएगा, एक काल अवच्छेद नहीं होगा। इसलिए कहते हैं पर्याय बड़ा सतर्क हो भी है, और पक्ष भी बड़ा सतर्क रहता है। श्रूयमाणं पर्यायेण, जीव विषय उपपद्यते, इसलिए क्रमशः जो है पर्यायण जो है जीव में भी ये बात घट सकती है। ये शमात्मा अंतर्हृदय अनियान व्रीहेर वा यवाद्वा इति आता ना, इसलिए सब दिया हृदय में है, अनियान है, ये ब्रह्म में कैसे घटेगा? जीव में ही घटेगा। अधिकरण सार का श्लोक में सुना हृदय अनियान कहा था कि नहीं? वही बता रहे, देखो ये शम आत्मा, यही मेरी आत्मा है जो मेरे हृदय के भीतर रहता है। और कितनी लंबी चौड़ी है? अनियान बहुत छोटा है। कितनी छोटी है? व्रीहेर वा यवाद्वा, व्री से छोटा, जौ से छोटा, मच्छर से छोटा, सबसे छोटा, ऐसे कह दिया। और ब्रह्म में कैसे घटेगा सारी बात? ये सब बात तो जीव में ही घटता है। इत्याद्य इति च हृदयायतनत्वम अनियस्तंच आराग्र मात्र से जीवस्य अवकल्पते, आरा के अग्र भाग के सदृश जो जीव माना गया है उसी में सारी बातें घट सकती है। आराग्र जानते हैं ना, कई बार आ चुकी है आराग्र शब्द। आराग्र कहते हैं जो बैल आदि को हांकने के लिए महाराष्ट्र में प्रयोग करते हैं। हाँ बैल चलते ही नहीं, वहां की बहुत भूमि कड़क है, क्या करे? वो एक लकड़ी लेते लंबी सी, या बांस या बल्ली या कुछ भी एक ले लिया पतली सी, उसे कोने में बड़ी नोकीली कील ठोकते, कील, और कील इतना नोकिला होता है उसे मारते हैं, खून बहता रहता है उसका, तब तो वो दौड़ता है, दर्द होता है ना वो दौड़ता है, नहीं तो चलेगा ही नहीं। उसको कहते हैं आरा, उसके अग्र के समान करते, इतनी सूक्ष्म। अन्यत्र बात कही गई है उसके अनुसार आराग्र मात्रस्य माने आराग्र कल्प से जीव से अवकल्पते न परिच्छिन्न से ब्रह्मण, अपरिच्छिन्न ब्रह्म के अंदर में से एक भी बात नहीं घट सकता है। अतः मानना पड़ेगा यह जीव विषय कही है, ब्रह्म विषय नहीं है। ननु जायान पृथ्वी इत्यद्यपि न परिच्छिन्न अवकल्पते,
अभी एक देश फिर कहने लगता है, अरे महाराज इन जायान पृथ्वी, ये भी तो वहां का है, पृथ्वी से बड़ा, आकाश से बड़ा, अंतरिक्ष से बड़ा, जिम नहीं आया ये बात तो। कहते हाँ, इत्याद्यपि न परिच्छिन्न अवकल्पति चेत अत्र ब्रह्म। तब पूर्व पक्षी कहता है कि भाई सुनिए, न तावत गणियस्तुं ज्यस्तुं च उभयम् एकस्मिन् समाश्रयितुं शक्यं विरोधा, क्योंकि दोनों के दोनों बातों को एक वस्तु में, ज्यस्त और अनियस्त दोनों धर्मों को एक में आश्रयण करना संभव नहीं है, क्योंकि परस्पर विरुद्ध होने से। अन्यतर आश्रयण प्रथम श्रुतत्वात्, और एक को लेनी पड़ेगी ना किसी न किसी को, प्रथम कौन है, अनियान शब्द है, उसको ग्रहण करूंगा और बाद वाले को स्तुति कर दूंगा जीव का। जो ये धर्म से उपासना करता है वो पृथ्वी से बड़ा, आकाश से बड़ा, अंतरिक्ष से बड़ा स्तुति है। जो प्रथम उपस्थित है उसको हम ग्रहण करें, प्रथम उपस्थित कौन है वहां पूर्व प्रकरण में पहला अनियांस्तु आ गया, इसलिए उसको ग्रहण करूंगा और वो जीव में घटता है ब्रह्म में नहीं। वही कहता है अन्यत्र आश्रय नहीं चाह, यदि किसी एक को ही लेना पड़ेगा दोनों तो हो नहीं सकता, तो प्रथम श्रुतत्वात् अन्यस्तु युक्तम आश्रितम्, इसे अन्यस्तु को ग्रहण करना ही उचित होता है। ज्यायस्तु तो ब्रह्म भाव अपेक्षया भविष्यति, आगे ना, ज्यायस्तु जो है इसी जीव के अंदर ब्रह्म भाव की अपेक्षा से घटाया जाएगा। निश्चित जीव विषयत्व यद अंते ब्रह्म संकीर्तनम, इस प्रकार से पूरा प्रकरण जीव विषय के निर्णय जब हो गया, लेकिन अंत में ब्रह्म शब्द दोबारा आ गया ना, एतद् ब्रह्म, उसको क्या करोगे, कहते वो भी घटा देंगे। निश्चित जीव विषयत्व यद अंते ब्रह्म संकीर्तनम एतद् ब्रह्म इति तदपि प्रकृत परामर्शार्थत्वात् जीव विषयमेव, वह भी प्रकृति का परामर्श करने के लिए होने से उसको भी जीव विषय ही घटाना चाहिए। तस्माद् मनोमयत्वादि धर्मैर् जीवोपासित्यं प्राप्ते ब्रूमः प्रसिद्धोपदेशादिति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।